नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं लेटेस्ट फिल्मों के रिव्यू और आपका मनोरंजन। आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म वेदा के बारे में, जिसमें मुख्य भूमिका में है जॉन अब्राहम और शर्वरी बाग। फिल्म वेदा का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीन्स और कहानी की झलक ने सभी को एक्साइटेड कर दिया था, लेकिन क्या फिल्म इन उम्मीदों पर खरी उतर पाई है, चलिए जानते हैं। फिल्म की कहानी राजस्थान के बाड़मेर की है, जहां 150 गांव का प्रधान अपना कानून खुद तय करता है। ये कहानी ऊंच नीच और जात पात के मसलों पर आधारित है, जो हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे हैं। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गंभीर संदेश भी है। शर्वरी बाग का किरदार वेदा फिल्म का केंद्र बिंदु है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलेक्ट डिलीवरी काबिले तारीफ है। फिल्म में जॉन अब्राहम ने अभिमन्यु का किरदार निभाया है, जो एक आर्मी से निकाले गए सिपाही हैं। तमन्ना भाटिया का कैमियो भी अच्छा है और कुमुद मिश्रा छोटे से रोल में भी याद रह जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, वेदा एक अच्छी फिल्म है, लेकिन ये और बेहतर हो सकती थी। शर्वरी का अभिनय, फिल्म का पहला हाफ इसकी ताकत है, जबकि सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। अगर आप शर्वरी और जॉन के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। हमारी तरफ से वेदा को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स। तो दोस्तों, ये था वेदा का रिव्यू। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट में ये बताएं, अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।